नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार और UP पुलिस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपद्रव के बाद अब पुलिस जुल्म कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस और प्रशासन CM योगी आदित्यनाथ के बदला लेने के बयान के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रियंका ने CM योगी पर भी निशाना साधा और कहा कि वे भगवा वस्त्र धारण करते हैं, जो हमें शांति और करुणा सिखाता है, बदला लेना नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और पुलिस ने ऐसे कदम उठाए हैं जिनका कोई न्याय या कानूनी आधार नहीं है। कांग्रेस ने यूपी में नागरिकता कानून के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ दायर मामलों पर जांच करने के लिए एक स्वतंत्र आयोग बनाने की मांग की है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अध्यक्षता में आज कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर ये मांग की। इसके साथ ही पार्टी ने गलत आरोप लगाकर पकड़े गए लोगों के लिए जमानत की भी मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संशोधित नागरिकता कानून के समर्थन में ट्विटर पर एक कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन के तहत PM मोदी ने लोगों से #IndiaSupportsCAA नाम का # इस्तेमाल करने की अपील की। PM मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि CAA सिर्फ प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के संबंध में है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने के संबंध में। हालांकि कुछ देर बाद #IndiaDoesNotSupportCAA भी ट्रेंड करने लगा। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आखिरकार आज हो गया, जिसमें 36 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें अजीत पवार ने उपमुख्यमंत्री, अशोक चौहान ने कैबिनेट मंत्री और आदित्य ठाकरे ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। देश के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में नागरिकता कानून के विरोध पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि शिक्षा संस्थानों को राजनीतिक हब नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर नागरिकता कानून को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के लखनऊ के दौरे के दौरान कथित बदसलूके के मामले में CRPF ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में CRPF ने कहा है कि प्रियंका की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। इसके साथ ही रिपोर्ट में प्रियंका पर ही सुरक्षा नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। BJP सांसद कौशल किशोर ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। कौशल किशोर ने कहा है कि यूपी में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई ऐसे मामले मेरे सामने आए हैं जब मैंने खुद पुलिस वालों की शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटी मोहनलालगंज लोकसभा सीट से कौशल किशोर सांसद हैं। सेना अध्यक्ष बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS होंगे। केंद्र सरकार ने रविवार को ही CDS पोस्ट के लिए उम्र की सीमा बढ़ाकर 65 साल कर दी थी। बता दें कि रावत 31 दिसंबर को सेना अध्यक्ष पद से रिटायर हो रहे हैं। रावत की जगह मनोज मुकुंद नरवणे नए आर्मी चीफ होंगे। पूरे उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ ठंड से जीवन थम गया है। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह पारा शिमला से भी नीचे 2.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शिमला में जहां ये 3 डिग्री पर है। इसके अलावा कोहरे के कारण ट्रेन, फ्लाइट और रोड सेवाओं में देरी हो रही है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं तो 16 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया, 8 ने देरी से उड़ान भरी तो 4 को रद्द करना पड़ा है। कोहरे के कारण ग्रेटर नोएडा में रविवार रात को 11:30 बजे एक कार नहर में गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने अपनी इस दशक की टेस्ट 11 टीम चुनी है। इसमें विराट कोहली को कप्तान बनाया है। हालांकि पोंटिंग द्वारा चुनी गई टेस्ट 11 में भारत से विराट ही एकमात्र खिलाड़ी हैं, जबकि पाकिस्तान से किसी भी खिलाड़ी को इसमें जगह नहीं मिली है। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म गुड न्यूज बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। तीसरे दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। फिल्म ने रविवार को 25.65 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ भारतीय बाजार में गुड न्यूज ने ओपनिंग वीकेंड में 64.99 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।